देखो बेटे, आज स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ जो कल स्टार्ट किया था। क्या चीज होती है दोबारा सुनिए, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये। मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ क्या है? वो क्वांटिटी है विच डिस्क्राइब द कंप्लीटली मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट एनी प्लेस। किसी भी पॉइंट पर आपको ये पता करना है क्या मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो कौन बताता है मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ? ये अपने पास तीन टाइप के होते हैं, इनको इनकी तीन टाइप्स होती हैं, इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले का नाम है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, सेकंड मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, और थर्ड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो देखिए, पहले डायग्राम जो कल बना रहे थे वही डायग्राम दोबारा देखो। ये मैं लिख लेता हूं, अपने पास मैग्नेटिक एक्सिस है कोई भी, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, इसका नाम कुछ भी रख लेना बेटे, ओ और पी नाम रख लिया, मैग्नेटिक एक्सिस है। ठीक है, कल आपको बताया अगर इसके ऊपर एक नॉर्मल प्लेन डाल दूं मैं, वर्टिकल प्लेन नॉर्मली, तो वो क्या बनता है, एक मैग्नेटिक मेरिडियन होती है, इसका नाम रखा मैग्नेटिक एक्सिस। और जो ये प्लेन ड्रॉ किया इसका नाम बोला मैग्नेटिक मेरिडियन। दो चीजें हैं, एक बोली मैग्नेटिक एक्सिस और दूसरा बताया बेटे मैग्नेटिक मेरिडियन। अब क्या कहता है, एक मैग्नेटिक एक्सिस है और एक ज्योग्राफिक एक्सिस है। कल भी बताया, दोबारा सुन लो, जिधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा उधर ही ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है, जिधर मैग्नेट का साउथ पोल है उधर ही कौन होगा, ज्योग्राफिक साउथ होता है, दोनों की डायरेक्शन। बट ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में ऑलवेज कुछ एंगल होता है, ऑलवेज कुछ ना कुछ एंगल बनता है। ये आपके पास ज्योग्राफिक एक्सिस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस, लिख देता हूं इसको मैं ज्योग्राफिक एक्सिस। कल भी बताया था, आज फिर बोल देता हूं, ज्योमेट्रिक लाइन, ज्योमेट्रिक एक्सिस अलग होता है, जो मैग्नेटिक एक्सिस के थोड़ा सा आगे और डिस्टेंस होती है, पूरा कवर कर देंगे पोल से आगे, तो उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक एक्सिस, ज्योमेट्रिक लाइन। जो मैग्नेटिक एक्सिस बराबर 6/7 ज्योमेट्रिक एक्सिस की वैल्यू होती है, 6/7 मतलब मैग्नेटिक एक्सिस छोटा है, ज्योमेट्रिक बड़ा। ज्योग्राफिक, जो ज्योग्राफिक अलग वर्ड है, ज्योमेट्रिक अलग बोल रहा हूं कि ज्योग्राफिक एक्सिस है। अगर इसके ऊपर प्लेन ड्रॉ करता हूं मैं, ये प्लेन ड्रॉ, ये नॉर्मल प्लेन ड्रॉ कर दिया मैंने, अब तो इस प्लेन का नाम क्या होगा, ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये बेटे देखो, मैग्नेटिक एक्सिस पे नॉर्मल प्लेन ड्रॉ किया था, वर्टिकल प्लेन, इसका नाम मैग्नेटिक मेरिडियन, और अगर ज्योग्राफिक एक्सिस के ऊपर प्लेन ड्रॉ किया है तो उसका नाम ज्योग्राफिक मेरिडियन होगा। पॉइंट सारे क्लियर बेटे? बस यही पॉइंट याद रखने थे, इन्हीं से हम सोल्यूशन करवा। तो देखिए, मैग्नेटिक एलिमेंट का जो पहला पार्ट है जिसका नाम होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, बेटे सीधा सिंपल सा पेपर में आता है, ज्यादा हार्ड भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सा ये पूछा जाता है, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ कौन है या कितने पार्ट है उनको एक्सप्लेन करना है। अगर जो बच्चा अभी देख रहा है, ध्यान से देख रहा है, तो दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को मैंने रिप्रेजेंट किया थीटा से और ये बन गया एंगल थीटा। बेटे थीटा बना किसके बीच में से आपने लिखना लिखना है, ये कौन है, ये लिख रखा मैग्नेटिक एक्सिस, ये कौन है, ज्योग्राफिक एक्सिस। द एंगल मेड बिटवीन द ज्योग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस इज नोन एज, क्या नाम हो जाता है अपने पास, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्लियर हो गया बेटे? क्या बताया बेटे, थीटा क्या होता है, द एंगल मेड बिटवीन द किस किस के बीच, मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस, दोनों के बीच में जो एंगल बना है, दैट एंगल इज नोन एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। या ऐसा ना बोलना चाहो तो बेटे, ये एंगल जितना ऊपर है उतना ही एंगल नीचे है, बट अब अच्छे से सुनना, ये मैग्नेटिक एक्सिस था, ये ज्योग्राफिक एक्सिस, बट ये प्लेन कौन है, मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये प्लेन कौन है, ज्योग्राफिक मेरिडियन, दोनों चीजें अलग। ये एंगल किसके बीच में बना है,
मैग्नेटिक मेरिडियन और जोग्राफिक मेरिडियन के बीच में एंगल बना है, तो इस एंगल को भी हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। बेटा कौन सी भी स्टेटमेंट बोल सकते हो, एक्सिस से बोल दीजिए चाहे मेरिडियन से, दोनों ही सही है। बट एक्सिस बोल रहे तो दोनों एक्सिस बोलना, और मेरिडियन बोल रहे तो दोनों मेरिडियन ही बोलना, ऐसे मत कहना। समझ आया? ज्योग्राफिक एक्सिस जो होता है उसकी जो वैल्यू बताई जाती है वो या तो बेटे वेस्ट में आती है या वैसे आपकी साउथ, सॉरी वेस्ट या ईस्ट। जैसे ये नॉर्थ साउथ तो है बेटे, मैग्नेटिक एक्सिस इधर नॉर्थ, इधर साउथ, एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ। या तो ये ऊपर होगा या ये नीचे, ऊपर है तो ईस्ट, नीचे है तो वेस्ट। तो जो वैल्यू आती है अपने पास, किसकी वैल्यू बेटे, किसकी बता रहा हूँ, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की, ज्योग्राफिक एक्सिस पूछ लिया जाए तो वो आपके पास या तो ईस्ट में या वेस्ट, 4.4 डिग्री ईस्ट 4 डिग्री वेस्ट, अलग अलग। तो बस आपने एक लाइन में वर्ड याद कर लो, द एंगल मेड बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस इज नोन एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। खत्म हो गया बेटे, पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है। दूसरा, इसका नाम है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, या ये बोलता है बेटे मैग्नेटिक डिप। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन वर्ड हो या मैग्नेटिक डिप, दोनों ही एक नाम है। कौन है, क्या है, ये एंगल था, ये भी एंगल है बेटे। देखो एक बार, ये आपके पास अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल, और ये कौन है वर्टिकल, दोनों अलग। मैंने कहा ना वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखो ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, दोनों परपेंडिकुलर, या ऐसे मान लो ये दोनों 90 डिग्री, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा, बीच में। तो बेटे ये जो एरो ड्रॉ किया है मैंने, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, कौन सा टोटल रिजल्टेंट। इसको आप आर बोल सकते हो, बी बोल सकते हो, बट जो बच्चे देख रहे हैं अच्छे से दिमाग में बैठाना, ये क्या वर्ड है, क्या चीज है, ये अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का जो टोटल बनेगा वो कौन है, बी। रिजल्टेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ वो कौन है, बी। और हॉरिजॉन्टल के साथ इसने जो एंगल बनाया, दैट एंगल इज नोन एज द। तो बेटे स्टेटमेंट आप बोर्ड पे दिख रही, स्टेटमेंट तो आप बना भी सकते हो, क्योंकि स्टेटमेंट नहीं बनाओगे तो रटने वाली बातें होगी। डेल क्या है, डेल होता क्या है, डेल का नाम है मैग्नेटिक डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। क्या चीज है, एक बार दोबारा से सुनो, क्या होगा, द एंगल मेड बिटवीन द, किसके बीच में बना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ टू, ये कौन बताया मैंने, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ये है, और ये टोटल है, और ये कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ये अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का, ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का, इन दोनों का जो टोटल सम आएगा, नेट सम आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो कौन है, बी, जिसको बोलते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो बेटे दो पॉइंट हुए अच्छे से क्लियर, अगर हो गए, डायग्राम क्लियर होना चाहिए फिर आपके पास पॉइंट। डिक्लिनेशन क्या बताया, एंगल मेड बिटवीन द, किसके बीच में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं, मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच में, या द एंगल मेड बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन, दोनों में से कोई भी एक लिख देना। दूसरा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, द एंगल मेड बिटवीन द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने टोटल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाया है, That angle is known as, उस एंगल का नाम हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। बेटे दो पॉइंट हो गए क्लियर, दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पहले भी बोल दिया कौन सा है, ये
कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन इज नोन एज हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अर्थ का जो कंपोनेंट है, मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये नाम डेल। एक बार डेल पे दोबारा आ जाता हूं, एक बार डेल बेटे अगर पोल्स की बात करता है, पोल्स पे डेल कितना बनेगा, 90 डिग्री दिखाई दिया पोल के ऊपर। पोल बेटे ये होता है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको बोलते इक्वेटर, इसको इक्वेटर बोलो, इसको पोल बोलो, ठीक है। पोल आप पढ़ा था उसमें मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे बनाते ये उंगली पोल और ये क्या बोलते थे, इक्वेटर। तो देखो बेटे ये जो बी है, अगर नीचे और लाऊंगा बी, तो डेल इंक्रीज होते होते इंक्रीज होते इस दोनों के बीच की एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 90 है। तो डेल 90 किस पे होता है, पोल्स पे और एट इक्वेटर। अगर इक्वेटर की बात करते हैं तो आपके पास डेल कितना होता है, 0 डिग्री। ये बी ऊपर इस साइड बात करो, इस बी को उठा के ऊपर ले जाऊं तो कितना बन गया, 0। नीचे ले आऊं तो कितना बन गया, 90। तो एक डेल की जो बात कर रहा है, डेल 90 डिग्री पोल्स पे होता है और 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर। क्लियर हुआ बेटे, तीन कंपोनेंट है, तीन बड़े आसानी से इस डायग्राम को बनाना है। स्टेटमेंट लिखने, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, उसके बाद डिक्लिनेशन की स्टेटमेंट बता दी, इंक्लिनेशन बता दी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बता दिया, इतना ही है। क्लियर, न्यूमेरिकल जो आता है, अब थोड़ा न्यूमेरिकल के ऊपर चलता हूं, इसको रफ। देखो बेटे टोटल बी है, ये हॉरिजॉन्टल एच, अगर इस बी को रिजोल्व करता हूं मैं तो ये बनेगा बेटे बी कोस डेल, ऊपर डेल तो ऊपर बना बी कोस डेल, और नीचे की बात करेगा तो क्या बना बी। समझ आया बेटे, हॉरिजॉन्टल इस बी को रिजोल्व करता तो एंगल वाली साइड कोस, इस कंपोनेंट कोस आ गया, और इसके परपेंडिकुलर इधर कौन आ जाएगा, साइन। तो v किसके बराबर है, v साइन डेल, और h किसके बराबर है, v कोस डेल। दोनों को डिवाइड करो, या टोटल अगर b निकालना है, पहले टोटल निकालता हूं फिर डिवाइड करता हूं, स्केयरिंग एंड एडिंग। स्केयर करना बेटे, h स्केयर प्लस v स्केयर बराबर b स्केयर आ जाएगा। मैं पूरा करके बताऊं, b स्केयर कोस स्केयर डेल प्लस बी स्केयर साइन स्केयर डेल, बी स्केयर कॉमन आ गया, साइन स्केयर प्लस को स्केयर 1 बन गया। समझ में आ रहा है बेटे, जो देख रहे उसको समझ आ रहा है, इसका स्केयर करूं बी स्केयर को स्केयर डेल प्लस बी स्केयर साइन स्केयर डेल, दोनों में से बी स्केयर कॉमन लेंगे तो बना साइन स्केयर डेल प्लस को स्केयर डेल, और वो वैल्यू होती है 1। तो बी की वैल्यू निकालनी आए तो आप क्या करोगे, एच स्केयर प्लस बी पहला न्यूमेरिकल आ सकता है, पहला ऑब्जेक्टिव आ सकता है, क्वेश्चंस दे देगा, ठीक है। आपसे टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, तो आपके पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ आ जाएगा, वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है बेटे। चलो आगे, अच्छा दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्लियर, दूसरा देखो, डिवाइड कर दो दोनों को, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड। कभी सोचो ऊपर नीचे, ये बस डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, ऊपर फर्स्ट बोलते 1/2, अब 2/1 कर लिया, और 1/2 करो, कोई गड़बड़ नहीं है, किसी को किसी से डिवाइड कर दो, टेन बनना उसकी जगह कोट बन जाएगा, कोट की जगह टेन बन जाएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वी बाई एच बराबर बेटे क्या बना, b साइन डेल अपॉन b कोस डेल, b से b कैंसिल, v बाई एच बराबर टेन डेल। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लर्न कर लेना। एंगल ऑफ डिप देके, एंगल ऑफ डिप देके आपसे दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू पूछ लेता है, इन दोनों में से एक कंपोनेंट दे देगा, दूसरा कंपोनेंट पूछा जाता है। फोर्थ यूनिट में जब पहुंचेंगे वहां पर न्यूमेरिकल आएंगे जो हम यहीं से सोल्व कर पाएंगे। जिस बच्चे को फॉर्मूला आता है v by h, v का नाम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, h का नाम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए कि वर्टिकल चाहिए,
जो कंपोनेंट चाहिए हम निकाल सकते हैं, कब, जब हमें एंगल ऑफ डिप की वैल्यू का पता हो। तो बेटे v बाई h बराबर होता है टेंडर। क्लियर हुआ, बस इतना ही करना है। एक आप करना चाहो तो ये कर सकते हो, एट पोल्स डेल कितना बताया था बेटे 90 डिग्री, पोल्स के ऊपर डेल कितना 90, बेटे कोस 90 कितना होता है 0 और साइन 90 कितना होता है 1, तो पोल की बात करें तो तेरे पास कितना आ गया v बराबर b, मतलब पोल के ऊपर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 बन रहे हैं, ओनली कौन है वर्टिकल, मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पोल्स किसके बराबर होता है वर्टिकल कंपोनेंट के। और एट इक्वेटर की बात करें तो डेल कितना 0 डिग्री, डेल 0 रखो कोस 0 1, तो h बराबर आ गया बेटे b, और v बराबर कितना हो जाएगा 0, इसमें h बराबर कितना था 0, इसमें v बराबर कितना है 0। तो पोल के ऊपर टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, पोल पे वर्टिकल कंपोनेंट आता है, और अगर इक्वेटर की बात करें तो कौन सा कंपोनेंट आता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है। इसी के साथ बेटे इतना ही है, ज्यादा और ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस खत्म हो जाता है। अपेरेंट डिप वगैरह है कुछ नहीं, बस इतना ही करना है। करो रफ आगे, एक होता है न्यूट्रल पॉइंट। बेटे न्यूट्रल वर्ड का मतलब होता है जहां पर नेट फोर्स जीरो बन जाता है, न्यूट्रल किधर भी इधर उधर कहीं नहीं जाए, नेट फोर्स जीरो। देखो एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट का ही पोल है, नॉर्थ साउथ कोई भी हो, अर्थ है, अर्थ का भी खुद का मैग्नेटिक फील्ड है। तो सुनो, अगर मैं चेक करूंगा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो बेटे उसकी वैल्यू का, और जब ये मैग्नेट है तो इसकी वैल्यू यहां पर बहुत ज्यादा है। अब जब यहां से मैं दूर जाऊंगा इसे, तो बेटे इसकी वैल्यू लगातार क्या होती जा रही है, कम। सुनो अच्छे से, बी जितना है उतना ही है, अर्थ का भी सेम है। मान लीजिए ऐसे समझाता हूं आपको, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए 5 है, जो ये मैग्नेट नजर आ रही, इसके पोल यहां पर इसका मैग्नेटिक फील्ड 10 है और ये 5 है, 5 हर जगह 5 है, ज्यादा है 5, 5 बोल रहा हूं एक समझाने के लिए। जब इस मैग्नेट से दूर जाऊंगा मैं, तो बेटे ये वैल्यू लगातार क्या होती जाएगी, कम, ये 5 ही है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम, ठीक है, एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो कहता है न्यूट्रल पॉइंट कौन सा होता है, कि वो पॉइंट जहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में इक्वल हो जाए, अपोजिट होंगे तभी कैंसिल होंगे, न्यूट्रल वर्ड बोल रहे, जब जहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किसको कैंसिल कर दे, मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को, उस पॉइंट का नाम क्या बोला जाता है, न्यूट्रल पॉइंट। जैसे मैंने यहां पर कहा इसका भी 5 है अर्थ का भी 5 है, बेटे देखो अगर इधर आता हूं तो ज्यादा किसका, मैग्नेट का, उधर जाता हूं तो ज्यादा किसका अर्थ का, क्योंकि 5 है ये कम होते जाए, 5 से 4 हो गए तो किसका ज्यादा हो गया, मैग्नेट। तो वो पॉइंट जहां पर दोनों का मैग्नेटिक फील्ड आपका सेम हो जाता है, उस पॉइंट को हम कौन सा बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। क्लियर बेटे, तो ये थी अपने पास अर्थ मैग्नेटिज्म, टेंजेंट, गैलोनोमीटर वगैरह, ये आपके पास कोई सिलेबस में नहीं है, कुछ नहीं करना है आपने, ठीक है बेटे। और किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम है तो अपना हैंड राइज कर सकता है। बेटे आपको बता दिया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जब एंगल आता है 180 डिग्री अनस्टेबल होती है, और एंगल बना अगर 0 डिग्री तो स्टेबल होगी, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। आपके पास जो मोनोपोल्स बोलते हैं, मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं होते हैं। गोज थ्योरम आपने पढ़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ई डॉट डी एस पढ़ी है ना, और अगर मैग्नेट में लगा दी वो बी डॉट डी एस तो आंसर होता है 0। वो पूछ लिया जाए बी डॉट डी एस बराबर 0 क्यों आया, तो आप एक लाइन में बोलोगे
बिकॉज मोनोपोल कैन नॉट बी एग्जिस्ट, होने क्या चाहिए डाइपोल्स, तो मोनोपोल पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए सरफेस इंटीग्रल, अब टोरॉइड बनाया था, टोरॉइड क्लोज पाथ, टोरॉइड, टोरॉइड के अंदर क्या था बेटे, कोई पोल्स नहीं बन रहे थे, तो जिसमें कोई पोल नहीं होते वहां पर बी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो बेटे मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं होंगे, ऑलवेज कौन एग्जिस्ट होते हैं, डाइपोल्स एग्जिस्ट होते हैं। आज आपको कुछ स्टेटमेंट्स बताता हूं, स्टेटमेंट्स बताता हूं, उसके बाद बोहर मैग्नेट्रॉन आता है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट बताऊंगा, बाद में बोहर मैग्नेट्रॉन आपको डिस्कस करूंगा, बोहर मैग्नेट्रॉन कल डिस्कस करूंगा, आज नहीं, ठीक है। आज जो आपके डाउट है बोलूंगा इसके खत्म होने के बाद। अच्छे से बोर्ड पे देखना, कुछ स्टेटमेंट्स बता रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर। सबसे पहले आती है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, आपने पढ़ा था ससेप्टिबिलिटी, सॉरी परमिटिविटी, कि किसी भी मीडियम से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास होगी, तो मीडियम उसकी क्या देता है, परमिशन देता है। सेम परमेबिलिटी क्या होती है, परमेबिलिटी भी यही होती है किस मीडियम से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है, दैट इज नोन एज परमेबिलिटी। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में परमिटिविटी पढ़ा, जो लिखा आपने ई बाई ई नोट, सॉरी एफ नोट बाई एफ, क्या था एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट, अगर याद आता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट जो यूज किया था, तो परमेबिलिटी का अगर केस आता है तो परमेबिलिटी अपने पास क्या होती है, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसकी वैल्यू आएगी म्यू की रिलेटिव परमेबिलिटी सेम आती है बेटे म्यू आर बोल दीजिए, म्यू बाई, इसको बोला जाता है रिलेटिव परमेबिलिटी। क्या है अब बोल सकते, पहले परमिबिलिटी सुन लो बेटे, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया, किसी गिवन एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो रही है, उसकी जो परमिशन दी, दैट इज नोन एज परमेबिलिटी। हेमंत बड़ा लेट आ रहा है, ठीक है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटे, बी से रिप्रेजेंट करते, रिलेटिव वर्ड पूछ लिया जाए तो क्या होता है अपने पास, जो बोर्ड पे लिख दिया म्यू बाई म्यू नोट होता है, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में था वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम यूज करते हैं। एक बार दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, एक बार टर्म सारी बताता हूँ, फिर दोबारा से इनको एक्सप्लेन करता हूँ। आगे आता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सभी को हम बी से लिखते हैं। क्या क्या पॉइंट बोले बेटे मैंने, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सभी का नाम क्या है, बी, जहां पर भी आपने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड जो आप पढ़ते हो, भी आया कहां से था, जैसे आपने लिखा था क्यू वी बी साइन थीटा, यहां पर भी आ गया, ये आ गया एफ अपॉन में क्यू वी साइन थीटा बराबर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड आप यहां से डिफाइन कर सकते हो, फोर्स यूनिट न्यूटन होता है, फोर्स यूनिट न्यूटन, चार्ज कूलम्ब, वी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ये कहता है वन कूलम्ब चार्ज पार्टिकल फ्लोइंग थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड, कितने मैग्नेटिक फील्ड से, वन टेस्ला ही आना है, वन टेस्ला डिफाइन करेंगे स्ट्रेंथ के लिए, कि वन कूलम्ब चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन टेस्ला एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ वन न्यूटन, अगर एक न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है एक कूलम्ब चार्ज पार्टिकल एक मीटर पर सेकेंड से परपेंडिकुलर फ्लो होके, तो उस टाइम आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो भी कितना होता है, वन टेस्ला, ठीक है बेटे। इन सबको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब समझने की चीजें अब आएगी आपके पास, क्या है क्या नहीं। अब आता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या क्या बोलो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, और एक होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दोनों वर्ड अलग, ये क्या है उसको आपके अगर दिनेश वाली बुक मैग्नेटाइजेशन लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ मैग्नेटाइजिंग फोर्स, फोर्स जो लगता है, अच्छे सुना, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, और दूसरा वर्ड बोल रहा हूँ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दोनों वर्ड अलग अलग, पहले आप अच्छे से देखो क्या है। ये बेटे मैंने एक सोलेनोइड दिया, सोलेनोइड में करंट पास किया, जब सोलेनोइड में मैं करंट पास करता हूं तो सुनना, जब सोलेनोइड में मैं करंट पास करूंगा तो बेटे आप बताओ वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं,
आपका आंसर बिल्कुल होगा। और सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? सही है बेटे, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट, म्यू परमेबिलिटी, वैक्यूम अंदर खाली जगह, एन आई, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, एम्पीरियन टर्न बोल दिया, एम्पीरियन टर्न, एम्पीरियन टर्न मतलब करंट और टर्न दोनों साथ, बेटे कितने नंबर ऑफ टर्न्स है और उनसे क्या पास हो रहा है करंट। ठीक है, आप बताओ अगर एन की वैल्यू बढ़ाता हूं तो बी बढ़ेगा या नहीं? बिल्कुल बढ़ेगा। आई की वैल्यू बढ़ाता हूं तो बी बढ़ेगा कि नहीं? बिल्कुल बढ़ेगा। अगर मैं बोलना चाहूं सीधा एन आई की वैल्यू बढ़ाता हूं तो क्या बढ़ेगा? बी बढ़ेगा। मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या आया? मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलता है बेटे इसके मैग्नेट बनने से वहां पर लाइंस होंगी और उसके कारण जो फोर्स है, और वो फोर्स किसके कारण? एन आई, इसी का नाम क्या बोला जाता है? एच। एच का नाम होता है, क्या नाम है? एन इंटू आई। इसकी स्टेटमेंट क्या बोलता है बेटे? नंबर ऑफ एम्पियर टर्न फ्लोइंग राउंड यूनिट लेंथ ऑफ टोरॉइड सोलेनोइड टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। देखो क्या कहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स फ्लोइंग राउंड लेंथ, ये रही नंबर ऑफ टर्न्स फ्लोइंग राउंड लेंथ, सोलेनोइड से जो करंट पास हो रहा है, जितनी ज्यादा टर्न होगी, जितना ज्यादा करंट होगा, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स होगा। मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो वर्ड यूज किया है वो उतना ही ज्यादा होगा। बेटे दोबारा वर्ड सुन लो, क्योंकि अच्छे से समझ में आएगा तो आगे मैं काम करवाऊंगा, अच्छे से समझोगे, अगर तुक्का लगेगा तो फिर समझ नहीं। दोबारा सुनो, एक वर्ड बोला मैग्नेटाइजिंग फोर्स, अच्छे से सुन, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो फोर्स लग रहा है वो आया कहां से है? जब सोलेनोइड में करंट पास किया, करंट पास किया तो वहां पर फोर्स है। अब फोर्स कौन है? एन आई के कारण। अब समझना क्या कहता हूं, मैंने इसके अंदर एक लोहा रख दिया, आयरन रखा, इसके अंदर मैंने क्या रखा? एक आयरन। अब सुनो बेटे, आपको कल मैंने बताया अगर ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट के पास एक लोहा रखा कुछ टाइम के लिए, तो लोहा, लोहे के अंदर किसके प्रॉपर्टी आ जाती है, किसके गुण आ जाते हैं? आप बोलते हो सर मैग्नेट के। बोला ना, कैसे आए? क्योंकि जब लोहे के पास रखा तो इस मैग्नेट से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास हुई। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही है, आप देखो अगर इस लोहे को इसके अंदर रख देता हूं तो इसके अंदर पहले से कौन है? मैग्नेटिक फील्ड है। आपने कहा वो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है? आपने कहा ये रहा म्यू नॉट एन आई, और आपने कहा फील्ड उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो उसका नाम आपने बोला मैग्नेटाइजिंग फोर्स, एच एन आई का नाम बोला मैग्नेटाइजिंग फोर्स है। अब सुनो, जितना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगेगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस पास होंगी, उतना ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा या नहीं बनेगा? ठीक है, कितना अमाउंट मैग्नेट बना, मतलब ये लोहा था, लोहे में मान लीजिए 20% मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, आपने और मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाया और ज्यादा आ गई, और बढ़ाया और ज्यादा आ गई। अब कहोगे सर ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हुआ? तो मैग्नेटाइजेशन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पहले वही समझाता हूं कैसे। देखो बेटे, ये मेरे पास कोई भी एक स्पेसिमेन मान लिया, ठीक है, मैग्नेट ना समझा के इलेक्ट्रिक से समझाऊंगा, उसको फिर मैग्नेटिक में बदलूंगा। देखना, आपने डाइपोल पढ़े थे ना, डाइपोल, डाइपोल आपने कहा एक डाइपोल ये है, ऐसे चार ही मान ली, ज्यादा नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस है, अगर ई जीरो है, तो बेटे आप मेरे को बताओ नेट डाइपोल मोमेंट कितना है? आप बोलोगे सर जीरो। डाइपोल मोमेंट देखो, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऑल आर इन रैंडम मोशन, सभी के सभी रैंडम मोशन में है, इसीलिए नेट डाइपोल मोमेंट कितना बना? जीरो। समझ में आया? कब? जब ई कितना है? जीरो। याद कीजिए अच्छे से, अब याद कीजिए क्या किया था मैंने। अब मैंने कहा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूं, बाद में दिखाऊंगा इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब इस साइड मैंने पॉजिटिव चार्ज प्लेट रख दी, इस साइड नेगेटिव, एक स्मॉल, वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड उसको, और बहुत थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड देने से मान लीजिए इस पे तो हल्का सा फोर्स लगा और ये हल्का सा रोटेट हुआ, हल्का सा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। अच्छा, हल्का सा रिपेल हुआ, मतलब हल्का सा मूव मान लीजिए। आपने और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, और ज्यादा अप्लाई किया,
तो और ज्यादा फोर्स लगेगा। आपने और ज्यादा लगाया, और ज्यादा करें, और ज्यादा लगाया, और ज्यादा करें, और ऐसे घूमते घूमते मान लीजिए एक घूम गया ऐसे, समझे। आपने और बढ़ाया, और बढ़ाने से ये और घूम गया, आपने और बढ़ाया, और बढ़ाने से ये और घूम गया, ठीक है। आप क्या बढ़ा रहे हो, लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने क्या बढ़ाया, लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड। लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से एक डायपोल मोमेंट आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। अब बताओ क्या नेट डायपोल मोमेंट जीरो है क्या? आपने बोला सर नहीं, जीरो नहीं, अब नेट डायपोल मोमेंट है। कब? और दूसरी चीज, जैसे जैसे मैं ई बढ़ा रहा था, डायपोल मोमेंट डेंसिटी जहां पर पड़ी थी, इसकी वैल्यू लगातार आपकी क्या होती जा रही है, इंक्रीज हो रहा है, डायपोल मोमेंट इंक्रीज हो रहा है। मैं यही चीज आपको समझा रहा हूं। अब सारे अलाइन हो गए सेम डायरेक्शन में, अब और बढ़ाओ आप इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? अब सर नहीं, कॉन्स्टेंट हो। जो मैंने समझाया, मैंने जो चीज कही वो अच्छे से सुनना। मैंने ये समझाया है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था तो सारे रेंडमली थे, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहा हूं धीरे धीरे सारे सेम डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हैं, मतलब इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात से। अब मैं मैग्नेट पे ले आता हूँ, मैग्नेट पे आ जाता हूँ। बट इस माइनस प्लस को नॉर्थ पोल साउथ पोल बोल लो, बोलोगे डायपोल मोमेंट बना लिया। इधर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूं नॉर्थ पोल, दूसरी तरफ साउथ पोल। अब बाहर से जैसे जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाता जाऊंगा ये सारे सेम डायरेक्शन में अलाइन करें, मतलब धीरे धीरे क्या बढ़ता चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी रेगुलर क्या होगी, इंक्रीज। कब तक होगी? जब तक सारे सेम डायरेक्शन में अलाइन नहीं कर लेते। और जब सारे सेम डायरेक्शन में अलाइन करते हैं तो मैक्सिमम हो गया वो चीज। अब यहाँ बेटे सुनो, आप बाहर से क्या बढ़ा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड। हम मैग्नेटाइजिंग फोर्सेस, एच का ही तो नाम था मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अब बाहर से लगातार बढ़ा रहे हो, अब इसके अंदर ये जो मैग्नेट थी ये कितना क्या कर रही है, इन डायपोल को मूव करवा रही है। धीरे धीरे ये लोहा क्या बनता आएगा, मैग्नेट। धीरे धीरे लोहा क्या बनता आएगा, मैग्नेट। जैसे मैंने कहा ये 20% बना, 40% बना, 60% मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। कितने परसेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है इसमें, ठीक है। उतना ये क्या बनता जाएगा, मैग्नेट। उतना ही क्या बनता आएगा, मैग्नेट। अब मैग्नेट बना किसके कारण, दोबारा सुनो, सोलेनोइड में करंट पास किया, सोलेनोइड में करंट पास किया तो सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड आया। उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स का नाम दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को NI को हमने H का नाम दिया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अब जितना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स उस मटेरियल से पास होगा, वो मटेरियल उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या बनता जाएगा, मैग्नेट। जितने उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इस ऑब्जेक्ट में जितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अगर आप अपनी बुक में पढ़ रहे हैं तो आपकी बुक में बड़े एम से रिप्रेजेंट है, बट हम जो रिप्रेजेंट करवाएंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को, वो आई से रिप्रेजेंट करवाएंगे। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को किससे रिप्रेजेंट करवा रहा हूं, आई से। तो बेटे क्या है, द डिग्री अप टू विच द मेटीरियल विल बिकम्स मैग्नेटाइज। कितनी डिग्री तक आपका मटेरियल मैग्नेटाइज बन चुका है, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, आई। ये आई नहीं, ये आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एच कौन है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो उसको मैग्नेट बनाएगा। और कितनी मैग्नेट बनी, कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं MV। एम कौन है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर नेट वॉल्यूम, मूव होता जाएगा पर नेट वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में डाइपोल मूवमेंट आ गया है। दूसरी डेफिनेशन होती है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर नेट वॉल्यूम। डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटे एरिया इंटू में लेंथ, आ गया। देख वॉल्यूम बन गई ना, लेंथ से लेंथ कैंसिल, एम बाई ए। एम पोल स्ट्रेंथ होती है, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है बेटे, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर। और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। एक मीटर से मीटर कट गई तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की यूनिट पूछ ली जाती है, तो क्या होती है, एम्पियर पर मीटर। क्या है यूनिट बेटे,
एम्पियर पर मीटर, और जो आप एच बोल रहे थे ये रहा एच, इस एच की भी यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर, एम्पीरियन टर्न पर नीट लेंथ, राउंड लेंथ बोल रहे थे पर नीट लेंथ, इसका नाम भी क्या हो गया एम्पियर पर मीटर, इसकी यूनिट भी क्या होती है एम्पियर पर मीटर, मैग्नेटाइजिंग फोर्स की यूनिट भी एम्पियर पर मीटर, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की भी यूनिट क्या होती है एम्पियर पर मीटर। क्लियर हुआ बेटे? तो ये आपके पास इंटेंसिटी दोनों पॉइंट्स थे, ठीक है। इसके बाद एक स्टेटमेंट बचती है बाकी अपने पास, और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी वर्ड होता है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी पढ़ी थी चाई, ये चाई, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी भी यही है। ये किसका रेशियो है, ये इन दोनों का रेशियो है आई बाई एच। आई कौन है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और एच कौन है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को मैग्नेटाइजिंग फोर्स से अगर डिवाइड कर देते हो तो क्या बोली जाती है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। आई की यूनिट क्या बताई, एम्पियर पर मीटर, एच की यूनिट क्या बताई, एम्पियर पर मीटर। अगर दोनों को डिवाइड कर देता हूं मैं तो कोई यूनिट नहीं आएगी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की कोई यूनिट प्रेजेंट नहीं होती है, कोई यूनिट नहीं होती है। तो बेटे ये जो टर्म बताई है मैग्नेटिक फील्ड की, ये सारी लर्न कर लेना, कल इससे आगे आपको एक्सप्लेन करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड ही।